उसको क्या करता है, सॉर्ट आउट करते हैं, इस चीज को क्या करता है, सॉर्ट आउट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। पहले मैंने बेसिक, अच्छा इसमें नए बच्चे बहुत सारे होंगे, नए बच्चे ज्यादा हैं क्या इसमें, नए बच्चे कितने हैं, कोई नया बच्चा भी है इसमें जिसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्टिंग का नहीं हुआ फर्स्ट क्लास? ओके, अगर कोई नहीं है तो चलो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग आज बेसिक के स्टार्टिंग क्लास का बेसिक ही देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहले बेसिक देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन का लेवल जैसे होगा इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है ना। जो इसको जो भी प्रॉब्लम आती है, एनएस मोमिन, एनएस मोमिन न्यू स्टूडेंट हूं। अच्छा न्यू स्टूडेंट, ओके एनएस मोमिन, ओके ओके ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी बेसिक मैं बताऊंगा, प्रॉफिट लॉस का एक ही क्लास हुआ है, और जो छूट जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं होगा, जस्ट लाइक अभी ये चैप्टर नया हो रहा है तो आपके लिए स्टार्टिंग ही है, ठीक है ना। फिर आपका जैसे जो चीज़ें छूट गई है वो फिर से कंप्लीट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फिर से वो चीज़ें रिवाइज नहीं होंगी, कंप्लीट नहीं होंगी, वो चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है ना। तो आपको फिर से वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है ना। सेकंड थिंग है कि आज हम लोग बेसिक लेक्चर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, उस दिन थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छे थे, आज पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ओके नो प्रॉब्लम, जिन लोगों ने अगर फर्स्ट लेक्चर का मिस कर दिया तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल अगर नए तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको आज फिर से प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस को हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट क्लास में किए थे, कुछ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराएंगे। जिन बच्चों का हो गया है उनका भी लॉस नहीं होगा, जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनका भी लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोनों बच्चे इस चीज को ध्यान दें। पहली बात तो ये है कि आप लोग जैसे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, तो आप मेरे से डिस्कस करो, उस चीज को बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है एट अ टाइम। अगर आप प्रॉब्लम नहीं शेयर करोगे तो प्रॉब्लम को छोड़ के जाना ये आपकी सलूशन नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम को छोड़ के भागना उसका सलूशन नहीं है, उसको क्या करना फेस करना होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मैं अगर भागू तो बताओ, आपको कहीं पे भी किसी स्टेप में आपको इशू आ रहा है तो इस स्टेप को, ऐसा नहीं है आप ऑफलाइन में नहीं हो, ऑनलाइन क्लास में हो, आप अपने जगह पे बैठे हो तो वहाँ पे आपको कोई देख भी नहीं रहा है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि हाँ ये स्टेप कहाँ से आया है, कैसे हुआ है, हम लोग बता देंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो पहले तो ये एक कम्पिटेटिव एग्जाम है, तो सबका टारगेट क्या रहता है, हर एक स्टूडेंट का टारगेट क्या होता है, जिस स्टूडेंट को आता है उसका टारगेट पहला यही होता है कुछ शॉर्टकट हम देखें और फटाफट को नहीं पढ़ा रहे ना, हम तो सारे बच्चों को मेंटेन करके क्लास में चलेंगे, तो इस चीज को माइंड करो। अब किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है ना, वो आपको आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ रहा है, आप ट्राई करोगे तो आएगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस पे करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन तो आप बेसिक के करेंगे, फिर थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करेंगे, फिर थोड़ा और लेवल इंक्रीज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने जिन लोगों का छूट गया है, जिन लोगों को हो गया जस्ट, जिन लोगों का पहले क्लास में हो गया जस्ट, ये समझ लें कि रिवीजन हो रहा है, 5-10 मिनट के लिए रिवीजन हो रहा है, तो रिवीजन भी करना हमारे लिए जरूरी होता है, तो चलो 5-10 मिनट के लिए रिवीजन ही कर लेते हैं, आपके लिए भी हो जाएगा। जिन लोगों को आ रहा है वो फटाफट अपने नोटबुक पे फटाफट लिख के दे देंगे, जैसे ही मैं बता रहा हूँ ये क्या होता है तो आप लिख लो ये होता है क्या, जैसे हम बोलते हैं क्या प्रॉफिट की बात बोले, अगर प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो प्रॉफिट किस केस में होता है, हमारा प्रॉफिट क्या होता है, जो सेलिंग एसपी होता है और क्या होता है सीपी होता है, एसपी जो होता है वो क्या होता है सेलिंग प्राइस, सीपी क्या है आपका कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस जो है वह अगर लेस देन है सीपी से, मैं प्रॉफिट की बात हो रही ना, सेलिंग प्राइस है ग्रेटर देन क्या है सीपी से, यानी अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है सेलिंग प्राइस का, दैट मींस मैं ये बोलता हूँ कि अगर किसी चीज को सपोज कर आप अपनी मोबाइल को आप 8000 में खरीदते हो और उसको बाय कर दिया कितने में 8000 में, और उसको सेल कितने में किया आपने 9000 में, आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, तो 100% आपको प्रॉफिट हुआ, आपने 8000 में खरीदा था 9000 में क्या कर दिया उसको सेल कर दिया,
इसका मतलब 1000 का आपका प्रॉफिट हुआ। तो 1000 का प्रॉफिट कैसे निकाले हो आप, प्रॉफिट को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, प्रॉफिट जो 1000 आया है वो कैसे निकाले हो, 9000 माइनस 8000 की हो कि नहीं की हो। तो 9000 आपका क्या है, अगर मैं ये बोलता हूँ अगर मोबाइल फोन है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, आपने 8000 में आपने खरीदा, और जो क्या कर रहे हो सेल कर रहे हो, सेल सीपी जो कर रहे हो वो कितना है 9000 में। तो आपको मैंने बोला कि प्रॉफिट जो हुआ वो कितने का हुआ, 1000 का प्रॉफिट हुआ। तो ये 1000 का प्रॉफिट कैसे हो रहा है, इस 9000 में से 8000 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, ये 9000 है क्या एसपी है, ये 9000 है क्या एसपी है। अब माइनस क्या कर रहे हो, सीपी को माइनस कर रहे हो, तो माइनस सीपी कर रहे हो, तो आपको क्या मिल गया, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है। अगर ये प्रॉफिट परसेंटेज की बात करता है, प्रॉफिट कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट जो हो जाता है, परसेंटेज प्रॉफिट जो होता है यही हो जाता है एसपी माइनस सीपी, सेम रहता है, डिवाइड बाय सीपी हो जाता है, यानी उस कॉस्ट प्राइस पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। ध्यान देना कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट पूछ रहा है, अगर कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट पूछ रहा है तो कॉस्ट प्राइस पे क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे कॉस्ट प्राइस से इनटू 100 कर दोगे, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस मिल गया कि इस कॉस्ट प्राइस पे कितना आपको प्रॉफिट हुआ था। सेम इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है। क्या होता है, लॉस की बात कर ले, मैं लॉस की बात कर लूँ फिर से, अगर लॉस के लिए मैं बात करूँ मोबाइल की लेता हूँ, आपने 8000 में खरीदा था, वन मंथ या वन ईयर चलाने के बाद आपने उसको क्या किया, सेल किया, तो 7000 ही मिलेंगे आपके, या उससे भी कम मिल सकते हैं, लेकिन 9000 तो नहीं मिल सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इससे ज्यादा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एसपी है वो क्या हो रहा है, लेस हो रहा है किससे, सीपी से। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एसपी है वो क्या हो रहा है, लेस हो रहा है सीपी से, जो एसपी है सीपी से क्या हो रहा है, आपका लेस हो रहा है। अगर ये लेस हो रहा है, अगर एसपी जो है सीपी से लेस हो रहा है, इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, वहां पे लॉस हो रहा है, हमें क्या अकर हो रहा है, लॉस अकर हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो 8000 में हमने खरीदा था, 7000 में हमने बेच दिया, इसमें से देखा कि 8 कितने का लॉस हुआ, 1000 का। कैसे हुआ, तो आपने क्या किया, सीपी माइनस एसपी किया, तो आपको कितने का लॉस हुआ, 1000 का। यहाँ पे किया गया आपने, यहाँ पे क्या कर दिया आपने, सीपी माइनस एसपी कर दिया, यानी कि सीपी माइनस एसपी कर दिया, तो आपको ये पता चलेगा कितने का लॉस हुआ। अब कोई बोले कि आपसे लॉस परसेंटेज कितना हुआ है, तो लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप किस पे लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप कॉस्ट प्राइस पे कर रहे हो, यानी कॉस्ट प्राइस पे कितना लॉस परसेंटेज हुआ है, तो क्या करोगे, सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाई क्या करोगे, सीपी इंटू 100, यानी कि इस कॉस्ट प्राइस पे जो भी कॉस्ट प्राइस गिवेन है उस कॉस्ट प्राइस पे आपको कितने का लॉस हुआ है, आपके यहाँ से लॉस परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, ये दोनों चीज क्लियर हुआ आप लोगों को, इतना आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, राइट है। किसी को नोट करना है नोट कर लो, हम लोग आगे चलते हैं। जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग नोट कर सकते हैं, या स्क्रीन शॉट ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना, नोट करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन शॉट ले लोगे तो भी चले जाएगा। हमारा परसेंटेज लॉस परसेंटेज प्रॉफिट की बात तो हो गई हमारी, क्लियर यहाँ तक। किसी को प्रॉब्लम है, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक प्रॉब्लम है, ओके चलो नोट हो गया, ले लिया स्क्रीन शॉट आप लोगों ने, चलो मैं रब करूँ इसको। अब हम लोगों ने क्या किया था, ओके अब हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था, सीपी एमपी और क्या पढ़ा था, एसपी पढ़ा था। एमपी को क्या किया था हम लोगों ने, मार्क प्राइज, इसको क्या बोला हमने, मार्क प्राइज। और सीपी एसपी आप लोग जानते ही हो, मार्क प्राइज क्या होता है, मार्क प्राइज मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि जो रिटेलर द्वारा उस पर लिख दिया जाता है, मतलब कि जो आर्टिकल्स है जो गुड्स है उस पर हम क्या करते हैं, प्रिंट किया जाता है, जो प्रिंटेड प्राइज होती है वहां पे लिखा रहेगा। आप जाओ ना, आप किसी शॉप पे जाओ, 5 रुपीज का स्नैक्स लो, उस स्नैक्स पे जब आप प्राइस देखते हो, 5 रुपीज जहाँ लिखा रहता है ना, उसके जस्ट ऊपर लिखा रहता है एमआरपी लिखा जाता है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ए वर्ड लिखा रहता है,
इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेज, एमआरपी ऊपर लिखा रहता है, उसके नीचे लिखा था इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेज, फिर लिखा रहता है 5 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि एमआरपी जो रियल में कॉस्ट है वो कुछ और है, उसके बाद जो भी उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो भी चीजें है उसको ऐड करके उसने कॉस्ट प्राइस से थोड़ा इंक्रीज करके उस पर क्या कर दिया, मार्क कर दिया गया। अब कोई स्टूडेंट, अब कोई शॉपकीपर रहता है, क्या करता है कि आपने मान लो एक स्नैक्स लेते हो तो नहीं छूट मिलता, लेकिन आपने 100 स्नैक्स लेते हो, 100 स्नैक्स उससे लेते हो तो समथिंग आपको डिस्काउंट दे देगा। यानी मान लो कि 5 रुपये का एक दे रहा था, अगर 100 हम लेंगे तो 500 का होगा, लेकिन वो बोला कि नहीं 500 आप मत दो, मुझे कितना दे दो 480 रुपीज ही दे दो। दैट मीन्स आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया इसने। एक्चुअल में 500 का हो रहा था लेकिन 20 रुपीज कम किया, तो 20 रुपीज कम करके जो सेल कर रहा हो तो क्या हो रहा है उसका 20 रुपीज का डिस्काउंट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्काउंट हो रहा है 20 रुपीज कम हो रहा है, ये 20 क्या हो रहा है, डिस्काउंट हम करते हैं। इसी को वर्ड को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। यानी ये चीज ये बोली जाती है कि जो मार्क प्राइस से कम में बेची जाती है चीजें उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। अब कॉस्ट प्राइस से ऊपर में बेची जाती है तो उसे एमआरपी की बात कही जाती है, ठीक है ना। तो उसमें लॉस या प्रॉफिट की बात आती है। इसमें डिस्काउंट क्या आता है, जो डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्काउंट क्या आया, मार्क प्राइस जो भी था उसमें से एएसपी आपने सबट्रैक्ट कर दिया। यानी मार्क प्राइस कितना था, हमने देखा था 500 का, और उसमें से हमने सेलिंग प्राइस कितने बेचा उसको, 480 रुपीज में ही सेल कर दिया। तो हमारे पास इसका मतलब कितने रुपीज हमने कम किया है, 20 रुपीज का। इन 20 रुपीज का हमने डिस्काउंट किया था, क्या किया हमने, मार्क प्राइस जो भी 500 था उसमें से हमने कैश को सबट्रैक्ट कर दिया है, कॉस्ट प्राइस को सॉरी सेलिंग प्राइस को सबट्रैक्ट कर दिया, जो सेल किया उसको सबट्रैक्ट कर दिया। तो हमें पता चला 20 रुपीज हमने कम मिला, यानी 20 रुपीज का जो कस्टमर है उसको प्रॉफिट हो गया। जो कस्टमर है, जो खरीद रहा है, जो बाय कर रहा है, उसे क्या हो गया, 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। दैट मीन्स अगर 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब इसने क्या किया है, 20 रुपीज डिस्काउंट किया है। शॉपकीपर ने क्या किया, 20 रुपीज का डिस्काउंट किया है, ठीक है। अब यही चीज क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, कि ये डिस्काउंट कितना हो गया। तो डिस्काउंट कभी भी आपको कैलकुलेट करने के लिए है, तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, आप ऐसे कैलकुलेट करोगे एमपी माइनस एसपी। अब कोई पूछे कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना होता है उस मार्क प्राइस पे, जो मार्क प्राइस है उस मार्क प्राइस पे परसेंटेज डिस्काउंट कितना होता है, तो आप क्या करोगे, सीधे करते हो एमपी माइनस एसपी ही करते हो। अब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट पूछा है तो नीचे डिवाइड करके क्या कर लोगे, मार्क प्राइस इनको 100 कर लोगे। ये मार्क प्राइस पे आपने क्या कर लिया, डिस्काउंट फाइंड आउट कर लिया, कितने का डिस्काउंट हुआ है, ये कितने का डिस्काउंट हुआ है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मार्क प्राइस और जब हम डिस्काउंट की बात किए तो यहाँ मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन आया, लेकिन जब हमने लॉस या प्रॉफिट की बात किया था, जब लॉस और प्रॉफिट की बात किया था तो हमें लॉस और प्रॉफिट में, लॉस ऑफ प्रॉफिट में हमें किसके बीच में रिलेशन आया था, सीपी और एसपी के बीच में रिलेशन आया था, सीपी और एसपी के बीच में रिलेशन आया था। लेकिन डिस्काउंट की बात आई तो हमारे किसके बीच में रिलेशन है, एमपी और एसपी, दैट मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में ये दोनों क्या है, रिलेशन है। तो रिलेशन सारे फार्मूले अभी इतना ही थे, फार्मूले के क्लियर हुआ क्या चीज, फार्मूले की बात क्लियर हुई क्या? यस सर, ये बेसिक था इतना फॉर्मूले का। हम लोग बेसिक पे ही दो चार एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक पे, ताकि हमारे लिए और आसान हो जाए, ठीक है ना। जिसके लिए जो मतलब जिन स्टूडेंट को पहली बार ये देख रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, उन चीजों के लिए बेसिक क्वेश्चन करने से उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब हम लोग क्वेश्चन उस लेवल के करेंगे। तो जो स्टूडेंट को अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे बेसिक आ रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को बेसिक भी क्लियर करते हुए जाना चाहिए। तो हम थोड़ा सा आप लोग वेट करो, थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को, फिर भी ऐसा भी बेसिक नहीं रहेगा, आपको कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा। आप इस क्वेश्चन को अगर मैं दे दिया, कुछ कॉस्ट प्राइस दे दिया, प्रॉफिट दे दिया आपको परसेंटेज, आपसे पूछ दिया सेलिंग प्राइस कितना है, तो दैट मीन्स आपको देखने से क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, बट कैलकुलेशन तो इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो कैलकुलेशन तो आपको स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना। तो आपको ऐसा नहीं है कुछ भी करोगे तो वहां से कुछ मिलेगा, नहीं, नथिंग इज लॉस, आपको कुछ भी लॉस नहीं होगा। आप करोगे कुछ ना कुछ तो जरूर 100% कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम है, हर एक चीजों पर फोकस करना पड़ता है, हमें कैलकुलेशन पर फोकस करना पड़ता है,
हमें एग्जाम के अगर स्ट्रेटजी पर फोकस करना पड़ता है, क्वेश्चन के लॉजिक पर फोकस करना पड़ता है, क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे सॉल्व करें उसको फोकस करना पड़ता है, इस सारी चीजों को जब फोकस करते हो तब कोई क्वेश्चन आप बहुत कम टाइम में, आप विद इन सेकंड में तभी क्वेश्चन को कर पाते हो, अदरवाइज क्वेश्चन विद इन सेकंड में कभी नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको उतनी लेवल तक जाना पड़ेगा, इस सारी चीजें फोकस करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, तो जिनको स्क्रीन शॉट लेना हो स्क्रीन शॉट ले लें, जिनको नोट करना हो नोट कर लें। तो मैं एक आग दो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद देखो आप लोग क्या आता है, ठीक है ना। नोट हो गया? ओके स्टूडेंट, तो चलो कैलकुलेट कर थोड़ा सा। अगर मैं ये बोलूं कि आपको एसपी गिवेन है, आपको कितना है, 625 रुपीज है, और प्रॉफिट जो हुआ है आपको पास 25% का हुआ है, तो आपको कॉस्ट प्राइस पूछे थे कितना आएगा, आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। सब कुछ आपके पास है, बेसिक क्वेश्चन है, इससे बेसिक क्वेश्चन हो भी नहीं सकता प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपको ये बताना। इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? फाइव हंड्रेड का कॉस्ट प्राइस आएगा। ओके 500 निश्चित, वेरी गुड। ये सबसे अच्छी बात है कि आप लोग, अगर आपको आ रहा है तो आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, ये होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन आप देखो कितने फास्ट में कैलकुलेशन करके दिखाते हो, इतने छोटे से क्वेश्चन कितना फटाक देखो कर दोगे, ये आपको आइडिया होनी चाहिए। 500 ओके, अश्रुन मुरनाली ओके, सबका 500 ही आ रहा है, तो देख लें फिर क्वेश्चन स्टूडेंट, इसमें 500 ही आ रहा है आंसर मैक्सिमम लोगों का। तो देखो क्या करते हैं, हमें इस क्वेश्चन को करना है तो कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट हम जानते हैं क्या है, रम्या इनका भी 500 ही आ रहा है, वेरी गुड। तो देखो क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज की हम वैल्यू जानते हैं क्या होता है, एस पी माइनस सी पी अपान सी पी इंटू 100, राइट है क्या, यही होता है। हाँ आकाश तो इनका भी आ रहा है कितना, 500 ही आ रहा है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो आपका ये सारी सबका वैल्यू सब मैक्सिमम स्टूडेंट का कितना आया, 500 ही आया। ये फॉर्मूले पे रखोगे आप तो कितना रखोगे, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया 25, एसपी कितना दिया हुआ 625, माइनस सीपी है, डिवाइड बाय सीपी इनटू 100 है। देखो स्टूडेंट इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बट इतना ज्यादा से ज्यादा हम फॉर्मूला याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी से अगर फॉर्मूला हम बनाने की कोशिश करें तो यहाँ से फॉर्मूला आपको 100% फॉर्मूला मिल जाएगा। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा, और मैं दिखा भी दूंगा कैसे वो फॉर्मूला आएगा, बट इतने सारे फॉर्मूले याद करके आप जाओगे कहाँ, इतने ज्यादा सारे फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं है आपके लिए, कितना आपको फॉर्मूला याद करो, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, सीपी यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट में है, ठीक है ना। इसको दो तरीके बताता हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, कहीं से लॉस नहीं होगा आपको, कहीं से लॉस नहीं होगा। देखो क्या होगा, अगर सीपी से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 25 टाइम्स क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 625 हो जाएगा, माइनस 100 सीपी हो जाएगा, राइट है क्या। अब ये 100 सीपी को हम लोग क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो क्या आता है हमारा, 25 सीपी अब प्लस का 100 सीपी हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, 62500। अब देखो 100 सीपी प्लस 25 सीपी कितना मिल जाएगा, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 125 सीपी हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 62500 हो गया, राइट स्टूडेंट। अब हमें अगर ये निकालना है तो मैं नेक्स्ट पेज पे ही चलता हूँ, 125 सीपी इज इक्वल टू कितना हो गया, 62500 हो गया। अभी सीपी को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो
तो क्या करोगे 6250 डिवाइड बाई 125, आपको कॉस्ट प्राइस ही निकालना है ना। अब तो कॉस्ट प्राइस लाके हमने इस पे रख दिया, और कॉस्ट प्राइस पे लाके रख दिया तो हमें कुछ करना ही नहीं है। हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस पे डायरेक्ट लाके आपको पुट कर दिया यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस है आपके। अब कैलकुलेशन बचा हुआ है, अगर इसको कैलकुलेशन करना है, देखो कैसे कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो स्टूडेंट, ऐसे इसको भी ऐसे कर सकते हो 625 × 100 डिवाइड बाई 125 कर सकते हो। अगर 25 से इसको कैंसिल करते हो तो कितना जाएगा, 5 टाइम्स। इसको कैंसिल करोगे तो 4 टाइम्स जाएगा। अब 5 से इसको कैंसिल करते हो तो कितना जाएगा, 1 जाएगा, फिर क्या जाएगा, 2 जाएगा, 5 जाएगा, 125 टाइम्स जाएगा क्या, राइट है। अब इसी का मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर आ जाएगा 125 × 4। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इतना लेंदी क्वेश्चन में करने वाला भी नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन को मैं एक एक स्टेप को बता रहा हूँ, लेकिन इतना ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है कि इतना मैं दो पेज में कर रहा हूँ, ये दो पेज का क्वेश्चन नहीं है, हाफ पेज का भी क्वेश्चन नहीं है, ये दो पेज में कभी मैं करने वाला नहीं हूँ। बट क्या है कि अभी बस स्टार्टिंग है, इसलिए हर एक स्टूडेंट को ये चीज क्लियर हो जाए, ताकि सारे स्टूडेंट बूस्टअप हो जाए, फिर हम लोगों के लिए करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हम दो स्टेप में कभी दो पेज में कभी लोग नहीं लग जाएंगे इसको, ओके। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, +2 कितना हो जाएगा 10, 4 × 1 = 4, अब +1 कितना हो जाएगा 5, तो सीपी कितना आ गया पर 500 रुपीज। अब किसी स्टूडेंट को यहाँ पे अगर इशू आ रहा है, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे अगर इशू आ रहा है तो बताओ, क्योंकि हमने अभी बिल्कुल बेसिक किया है, बिल्कुल बेसिक किया है, 10 मिनट और बेसिक करेंगे, उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो लेवल के क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन, ओके। किसी स्टूडेंट को बताओ अगर प्रॉब्लम है यहाँ पे तो बताओ, हाय स्टूडेंट, जिनको नोट करना है स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट ले ले, ओके okay, जिनका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, हो गया। ये सेकंड पेज है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी हो गया, चलो ओके okay, स्टूडेंट। अच्छा आप ईमानदारी से बताओ मुझे, कितने स्टूडेंट ने इसी चीज को फॉलो किया, कितने स्टूडेंट ने अदर चीजों को फॉलो किया, कैलकुलेट करने के लिए आपने अदर चीज सोचा है उसके बाद फाइंड आउट, कितने स्टूडेंट सेम पैटर्न को फॉलो किया, उन्होंने फॉर्मूले पर पुट किया उसके बाद आंसर फाइंड आउट किया, स्नेल का ऐसा नहीं किया, क्या किया स्नेल, रेशियो मेथड से किया, क्या किया रेशियो मेथड, वेरी गुड, और कोई, वेरी गुड, और कोई समझ में आया। इस क्वेश्चन को फॉर्मूले पर बस मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया और वो फार्मूला अप्लाई करने के लिए बोला, आप क्वेश्चन को देखा दो पेज में गया, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को दो पेज में अगर नहीं ले जाना चाहें हम लोग तो क्या करेंगे उसके बारे में देखो। 25% है स्टूडेंट, 25% है, ये 25% का मतलब क्या होता है, ये 25% है, 25% का मतलब क्या होता है, पहले तो 25/100 थोड़ा बेसिक, अभी परसेंटेज की क्लास नहीं चली है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बेसिक कर रहा था, तो वहां पे मैंने बताया था कि 25% है तो उसको ऐसे निकालेंगे, तो 25/100, अभी इस चीज को 25 से कैंसिल करेंगे 1, ये कैंसिल करेंगे तो 4, एंड 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, ये आपको माइंड में याद होनी चाहिए पहले से, ठीक है। तो 25% की वैल्यू हो जाती है आपकी 1/4, यहाँ है आपका सीपी, यहाँ है आपका एसपी। अब ये बोल रहा है कि 25% का प्रॉफिट हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है, और 25% की वैल्यू आपने लिख रखा है कितना, 1/4 लिख रखा है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस आपको सपोज कर लिया, यहाँ से कॉस्ट प्राइस मैंने ये सपोज कर लिया कि अगर 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा होगा, यानी 5 रहा होगा, अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 5 रहा होगा, कैसे हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा देख लो। इसको क्या करोगे आप, अगर हमने कॉस्ट प्राइस 4 ले लिया है तो 4 का 25% निकाल दो, कैंसिल हो जाएगा 25, कैंसिल होगा 1 आ जाएगा, यानी इसका जो प्रॉफिट हुआ कितने रुपीज का हुआ, 1 रुपीज का,
कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? 4 रुपीज था, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? सीपी प्लस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस क्या हो जाएगा आपका? प्रॉफिट हो जाएगा। तो 4 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। समझ में आया क्या? कैसे? सेकेंड थिंग स्टूडेंट, जब रेशियो मेथड अप्लाई करते हो तो ये जो 1/समथिंग आता है, जब परसेंटेज की वैल्यू लिखते हो 1/समथिंग लिखते हो, तो ये जो समथिंग है ना उसी को आप कॉस्ट प्राइस यानी इनिशियल वैल्यू उसी को मानो। इनिशियल वैल्यू ऑलवेज ऑलवेज उसी को सपोज करो, उसके बाद देखो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू इसमें ऐड होगी, अगर लॉस हुआ है तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू इसमें से क्या होगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बस इतना सा ध्यान देना है। दो चीज है, जिनको रीजन समझना है वो ये देखें, जिनको रीजन नहीं समझना बस ये समझना कि ये कैसे हो रहा है, बस वो इतना समझे। जिससे 25% की वैल्यू है 1/4, तो हम क्या करेंगे जो इनिशियल वैल्यू मानेंगे, इनिशियल वैल्यू क्या होगी? कॉस्ट प्राइस इस केस में है, इनिशियल वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसी को डायरेक्ट मान लेंगे, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसी को डायरेक्ट हम मान लेंगे क्या? इनिशियल वैल्यू। और जो फाइनल वैल्यू बनेगी, जो ये आपका न्यूमरेटर है ना उसी को अब देख लो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू को ऐड कर दो, अगर लॉस हो रहा है तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 1 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कितना रेशियो ये 4:5 आ गया। आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 625, यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपको दिया हुआ कितना? 625। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? अगर 5 की वैल्यू कितना दिया? 625, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। आपको निकालना कितने की है? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी? 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 4 यूनिट की वैल्यू निकालोगे क्या होगा? 4 × 125, दैट मीन्स कितना आ गया? 500 आ गया। यही आपका आंसर फाइनल हो गया। कितने स्टेप का क्वेश्चन अगर आपको क्लियरली आ रहा है तो, कितने टाइम कंज्यूम करेगा ये क्वेश्चन अगर आ रहा है तो? आप बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? किसी स्टूडेंट को अभी भी क्लियर हो, नहीं क्लियर हुआ हो तो बताओ। सेलिंग प्राइस के नीचे 625 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, वो 625 लिखा और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। किसका क्रॉस मल्टीप्लाई कहेंगे? 625 इसका, 4 का इसका, 625 × 4, हाँ, डिवाइड बाय 5। नहीं नहीं नहीं, 625 × 4 डिवाइड बाय 5 तो ही तो हुआ ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज को ध्यान दो, ये हर टाइम पे नहीं, हाँ वही हुआ है, यहाँ पे हर टाइम पे ये सेम चीज नहीं कर सकते आप, तो वहाँ पे कंफ्यूज जाओगे। तो इतना दो, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेलिंग को हमने 5 यूनिट माना है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना है? 625, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे कितना होगा? 125। तो हमें निकालना क्या है? 4 यूनिट की वैल्यू, तो 4 यूनिट की वैल्यू ऐसे निकाल लो। आपको अगर समझ में आ रहा तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि वही सेम चीज किया गया और कुछ नहीं है। जो स्टूडेंट को आता रहता है ना वो ये डायरेक्ट ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टेप को फॉलो करते हैं, यहाँ भी स्टेप आपको फॉलो ही नहीं करना, आपको ऑप्शन से मतलब है क्वेश्चन की। क्लियर? रेशियो मेथड कैसे आया? वो 125 किया क्या? 125 मैंने 5 से डिवाइड किया 625 को, तो हमारा 125 आया। ओके, हाँ ये कट किया ना, हमने कैंसिल करने का आदेश दिया ना, ऐसे ऐसे कट किया ना, इसका मतलब 5 को हमने कैंसिल किया तो 1 आ गया, फिर 5 से इसको डिवाइड, 5 से इसको डिवाइड किया तो 1 आया, इसको 5 से डिवाइड किया तो कितना? वो 125 आ गया, यानी 625 को हमने 5 से डिवाइड किया। ओके, क्लियर हुआ? अभी भी किसी को इशू हुआ तो बताओ। चले आगे, चले आगे, चले स्टूडेंट। आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, तो आप डिसाइड कर लिया कि आपके लिए कौन सा सही है। ओके, आप खुद डिसाइड कर लो आपको फार्मूला ज्यादा सही है कि आपका रेशियो सही है, जो बड़े क्वेश्चन में भी अप्लाई हो। एक क्वेश्चन और करो, अगर आपके पास सीपी दिया हुआ कितना? 400,
और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है कितना, परसेंटेज ऑफ लॉस दिया हुआ कितना, 15% का दिया हुआ है, तो आपको एसपी बताना है। आप लोग रेशियो से ही फटाक दे इंश्योरेंस को बता दे, रेशियो से। फोर सिक्सटी। और किसी का फटाफट आंसर आ जाना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, छोटा सा, ऐसा कुछ नहीं, हमने कुछ अलग सब किया है। 460, 360 भी आ रहा है सर, वो 15% प्रॉफिट परसेंट ही है ना, या फिर लॉस परसेंट है? लॉस है, लॉस परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज 15% फोर सिक्सटी नहीं आएगा। अच्छा, मैंने कुछ लिखा नहीं क्या यहाँ पे, एल है उसी की वजह से हुआ। तो आप लोग कैलकुलेट कैसे कर दिया? नहीं, मैंने प्रॉफिट परसेंट लिया था वो 15%। नहीं नहीं, कभी भी नहीं, आपके क्वेश्चन अधूरा है तो आप रुक जाओ कि है क्या प्रॉफिट है लॉस है। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग, कितना है 340 360, उज्ज्वला आपका दोनों आ रहा है, 360 भी आ रहा है, 340 भी आ रहा है। नहीं सर, 340 आ रहा है, वो गलती से हो गया। ओके, चलो स्टूडेंट देख लें फिर हम लोग क्या करना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। 15% का मतलब निकाल लें, पता हम लोग 15% का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो हम लोग 15% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 15/100, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, एंड 3:20 हो जाएगा, क्या राइट है क्या? हाँ सर, सही है, ठीक है ना। अब हमारा 15% का हमारा सीपी आ गया, एसपी आ गया। अगर सीपी को हमने 20 मान लिया है तो लॉस हुआ है, इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, राइट है क्या? इतनी बात आप लोग देखो फिर से, अगर 15% की वैल्यू 3/20 है तो हमने नीचे वाली वैल्यू को इनिशियल वैल्यू बोला है, इनिशियल वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो लॉस हुआ है ना कि प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाली वैल्यू को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। अगर प्रॉफिट होता तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू क्या करते, ऐड कर देते, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 17 कर दिया, यानी 20 में से हमने 3 सबट्रैक्ट किया, 70 आ गया, 17 आ गया। आपको गिवेन क्या है, सीपी आपको गिवेन है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस, तो कितना दिया हुआ है आपको, 400, यानी 220 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करोगे, 10 आ गया क्या, सॉरी 20 आ जाएगा क्या, 20 आ गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। आपको बताना क्या सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस है कितना, 17 यूनिट, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्या करोगे, 20 × 17 = कितना हो जाएगा, 340 सर, 340 आंसर। क्लियर हुआ? किसी को प्रॉब्लम सर? कॉस्ट अपॉन परसेंटेज 15 भी ले सकते हैं ना, 400 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या बोले आप, 400 क्या बोले, फिर से बोलो आप, 400 डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाई 100।
अगर आप ऐसे ले सकते हो, लेकिन 85 किस परसेंट का 85 लॉस हुआ ना, 85% का। हाँ यानी सर अगर मैं अज्यूम करूँ कि 15% मेरा लॉस है, तो रिमेनिंग 85% मेरा सेलिंग प्राइस रहेगी ना सर। हाँ हाँ तो वही 85% का सेलिंग प्राइस है, 400 डिवाइड बाय 85। हाँ 400 डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100। नहीं तो आप एक ध्यान दो कि 400 इनटू 400 इन, आप यही बोल रहे हो ना, मैं नेक्स्ट पेज पे देख लेता हूँ। आप यही बोल रहे हो 400 इनटू 100 डिवाइड बाय 85 परसेंटेज आ रहा है आपका। नहीं सर परसेंट नहीं है, परसेंट है, सिर्फ 85 है, सिर्फ 85 है, परसेंट नहीं है। हाँ तो इससे आपका 85 क्या आ जाएगा, इससे सेलिंग प्राइस कैसे आएगी आपकी, बताओ ना। आप ये सेलिंग प्राइस को ही 85 आपने मान के सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर रहे हो, तो आपका कहाँ से आ जाएगा सर? आपके सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट सर 85 मैंने 15% का लॉस हुआ है। मैंने अज्यूम किया है कि अगर कॉस्ट 100 है, तो मेरे अगर मेरे को 15 का लॉस हो जाए, तो मेरा 85 मेरा सेल्स रहेगा। मैंने ये अज्यूम किया, तो उस बेस पे किया है। राइट है, राइट है। हाँ तो आप वही बात है, अगर आपने 100 रुपीज माना है आपका कितना 85 रुपीज आ गया, राइट है ना? यस सर, यस ये बोलो ना आप। यस तो 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपने कितना लिया है, 400 लिया ना सर? वो बस कहीं मैंने परसेंट का 400 लिया ना। अब इसको हाँ हाँ हेलो, तो आप क्या करोगे, 1 मिनट की वैल्यू करोगे, 1 मिनट की वैल्यू निकालोगे आप। हेलो आप, तो आप 1 मिनट की वैल्यू निकालो। हाँ सर आपकी वॉइस ब्रेक, बोलो ना। हाँ सर थोड़ा आवाज ब्रेक, हाँ आ रही है, अभी भी ब्रेक हो रही है? नहीं सर अभी क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो? सर मैं बोल रहा था कि अपने पास कॉस्ट प्राइस, हाँ सर मैं कह रहा हूँ अभी क्लियर हुआ है आपका, कंफ्यूजन है अभी? हाँ हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है सर। ओके ना, क्योंकि ये 85 से डिवाइड करेंगे हम ना, इसमें या तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे या तो लॉस कैलकुलेट करोगे, वो भी किस पे, सेलिंग प्राइस पे। ये जो सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब सेलिंग प्राइस पे आप लॉस कैलकुलेट कर रहे हो या तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो। लेकिन अगर 100 सपोज के कर रहे हो, तो आप ऐसे करोगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा, कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। 100 मान के करते हो तो भी यही आएगा, 100 का रेशियो, इन दोनों का रेशियो भी निकालोगे ना तो वही आएगा जो हम लोगों ने रेशियो फाइंड आउट किया। तो आप जैसे भी करो, फाइनली आप ऐसे ही करोगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है मेरा? यस सर। अभी भी कंफ्यूजन है किसी का, किसी अदर का कोई क्वेश्चन होगा तो बताना। चलो क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लिखें। Yes sir. Yes sir. By selling an article, अब थोड़ा क्वेश्चन को आगे भी चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन मैंने 2-3 कर लिया हम लोग, थोड़ा सा कुछ लेवल आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चले, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। सर स्क्रीन गए। सर आपकी स्क्रीन नहीं बता रही है। सर स्क्रीन नहीं है। सर ही नहीं है। सर स्क्रीन चला गया था, आप एक मिनट फिर से ऑन करेंगे क्या? अशोक सर। अशोक सर ठीक है। हाँ एक मिनट थोड़ा सा वेट करो आप लोग। अशोक सर एक मिनट, मैं सर को कॉल कर लेता हूँ, आप लोग एक मिनट तो वेट करो। ओके सर।
अच्छा तब तक मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन लिख लो ठीक है ना। ओके सर, तब तक मैं क्वेश्चन बोल देता आपको डिक्टेट कर देता हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर लो ताकि हम लोग क्वेश्चन आप लोग तक ट्राई करते। एक मिनट सर आ गए हैं तो फिर कर लेते हैं, फिर पहले स्क्रीन का ही कर लेते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन था नोट करो आप लोग। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपेज 240 रुपेज 240 आई एम अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ सर मैंने आपको बना दिया होस्ट। ओके सर, अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10% sell it so that he makes a profit of so that he makes a profit of 20%। चलो स्टूडेंट इसका ऑप्शन लिख लो आप लोग, इसके ऑप्शन लिख लो स्टूडेंट। 264 रुपीज, 288 रुपीज, 288 रुपीज, 300 रुपीज, 300 रुपीज, 320 रुपीज, 320 रुपीज। नोट हो गया सभी स्टूडेंट का? सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन नोट हो गया? किसी का छूटा तो नहीं है ना? नो सर। ओके, इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, थोड़ा क्वेश्चन को रीड करो, थोड़ा समझो क्वेश्चन को। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सॉल्व करके देखो, लेकिन क्वेश्चन को रीड करो, कुछ चीजों को समझो, फिर इसको सोल्यूशन देखने। क्वेश्चन को रीड करो आप लोग। सर आंसर 320। 320। ओके वेरी गुड, बहुत से स्टूडेंट का आंसर आ गया, एक स्टूडेंट का आंसर आया, ठीक है ना? और किसी का आया क्या? चलो स्टूडेंट सब लोगों ने क्वेश्चन को तो रीड कर लिया होगा, राइट है? क्वेश्चन को सभी लोगों ने तो रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या बोला है? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 240 रुपीज, दैट मीन्स क्या कर रहा है?
सीपी दिया हुआ है आपके पास, एसपी आपको दिया है 240 रुपीज, 240 रुपीज का एसपी दिया हुआ है, 320 स्नेहल का भी 320 आ रहा है, ओके 240 रुपीज सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। जब इसको एसपी को 240 रुपीज में किसी आर्टिकल को सेल करता है तो 10% का लॉस होता है। लॉस परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ। तब पहले हम लोग क्या करें, फिर क्या बोल रहा है, अगर इसे कितने में सेल करें, इस आर्टिकल को कितने में सेल करें कि हमें जो प्रॉफिट हो 20% का हो जाए। तब पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें कि जब 10% का लॉस हो रहा है ना, तब पहले उस आर्टिकल का हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लें। क्योंकि अभी देखो जो पहले इसमें देखा जाता क्वेश्चन में, मैं इसीलिए रीड करने के लिए बोला कि क्वेश्चन रीड करने से ये पता चल जाए क्या आपको गिवेन है, क्या आपकी चीजें फिक्स है, क्या वैरी कर रही है। तो इसमें देखो वैरी जो करने वाली चीज है वो क्या कर रही है आपकी, जो वैरी कर रही है वो आपको क्या वैरी कर रहा है, सेलिंग प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस क्या 240 रुपीज, फिर से सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो फिक्स है ना आर्टिकल की। इस केस में भी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस वही है, 20% का जो प्रॉफिट होगा तभी कॉस्ट प्राइस एक ही होगा। तो इसका पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस इसका फाइंड आउट कर ले। तो देखो कैसे करेंगे, तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 लॉस हुआ है, सीपी है, एसपी है, सीपी इसका मतलब ये कितना है, सीपी अगर 10 ना होगा तो एसपी कितना होगा, 9 रहा होगा, क्योंकि लॉस हुआ है, क्योंकि लॉस हुआ है। इस केस में लॉस की वैल्यू कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ है, 9 यूनिट की वैल्यू कितना है, 240 रुपीज। भाई इसको कैंसिल करेंगे तो कितना, 1 × 240 / 9। अगर 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 80/3 आ गई। आपको निकालना कितनी यूनिट की वैल्यू है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, 10 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 80 × 10 / 3 इसका मतलब कितना आ गया, 800 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ, 10 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 800/3 आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा मिल गया, कॉस्ट प्राइस हमारा मिल गया। मैं डायरेक्ट इंजन लिख देता हूँ, अगर इतने की वैल्यू इतना है तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट किया हमने ना, अगर 1 यूनिट तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80/3 हो जाएगी, यानी 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800/3 हो जाएगी, राइट है। अब यहाँ तक के लिए, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर हमें 20% का प्रॉफिट करना हो, क्वेश्चन यही बोल रहा ना, अगर हमें 20% का प्रॉफिट करना हो, अगर 20% का प्रॉफिट करना हो तो हमारा जो सेलिंग प्राइस कितना होनी चाहिए, कितने में सेल करेंगे कि हमें 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसका मतलब 20% का प्रॉफिट की बात कर रहा है ना, तो 20% की प्रॉफिट कर लो, 20% की वैल्यू कितनी हो जाती है, 20% मतलब कितना, 1/5, 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5 हुआ क्या, 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5 हुआ क्या, राइट है। तो आप क्या करोगे कि सीपी और एसपी ले लो, तो इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट हो रहा ना, तो अगर हम सीपी 5 यूनिट लेते हैं तो एसपी कितना हो जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए, कि 5/1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट इसको 100 मान के करता तो भी करीब करीब यही एग्जाम यही क्वेश्चन का सोल्यूशन आता जाएगा, 100 मान के चलोगे तो भी ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। तो 100 मान के भी कर सकते हो आप, रेशियो मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रेशियो मेथड अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि अदर जगहों पे भी यूज होता है, अदर जगहों पे भी यूज होता है, ठीक है ना। हम सेलिंग प्राइस को और जगहों पे भी यूज करते हैं, लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस, लेकिन अगर हम लोग एसपी की यूज नहीं करते, रेशियो की यूज नहीं करते, तो 100 वाला सम टाइम ऐसे कुछ रेशियो दे देगा ना, ये 20% 22.5 दे दिया, कुछ पॉइंट में दे दिया ना, हमें प्रॉब्लम आती है वहां पे। तो रेशियो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होता है एज कम्पेयर टू मैथ समस्या अदर मेथड से, बट फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे आप क्या दिया हुआ, कॉस्ट दिया हुआ है, 5 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 800। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 5 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 800/3। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से कैंसिल करो कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स और कितना, 3 5 150 नहीं 6 हो जाएगा, 160, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई, 160/3 हो गई। क्या आपको निकालना कितने यूनिट की वैल्यू है, 6 यूनिट की, क्या आपको तो यही बताना है ना सेलिंग प्राइस,
इस केस में ये सेलिंग प्राइस ही तो बताना ना, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 डिवाइड बाय 3 इनटू 6 कैंसिल कर लो कितना हो गया 2 और 16 2 या कितना होता है 32, इसका मतलब आंसर कितना आ गया 320 रुपीज। स्टूडेंट ए आंसर आपका आ गया, लेकिन इसी चीज को आप लोग अगर बेसिक तरीके से करना चाहो तो आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये रेशियो समझ में आ गया होगा तो ये थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करने में जो टाइम लगाना वो ये भी नहीं करेगा, वो इन चीजों को भी अवॉइड करेगा, वो 9 यूनिट के बाद 1 यूनिट नहीं निकालेगा, वो डायरेक्ट 9 के बाद 10 यूनिट की वैल्यू निकालेगा, या कोई और फास्ट रहेगा ना तो डायरेक्ट 10 यूनिट की वैल्यू निकालेगा, क्योंकि वो जानता है कि 9 यूनिट की वैल्यू इतना दिया हुआ है, 10 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 240 अपन 9 इंटू 10 डायरेक्ट करके आएगा, एक ही स्टेप में यहाँ करेगा, एक ही स्टेप यहाँ करेगा, दो स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, जिनका अगर इश्यू आ रहा होगा कि अभी हमें कन्फ्यूजन आए वो लोग देखे थोड़ा, पहले सेलिंग प्राइस दिया हुआ 240 रुपीज, जब उस किसी आर्टिकल को 240 रुपीज में सेल करता है तो उसे 10% का लॉस होता है, ध्यान दो इस चीज को, जब अगर सेलिंग प्राइस उसका 240 रुपीज अगर सेल करता है तो 10% का लॉस हो रहा है, तो उस समय कॉस्ट प्राइस क्या थी, तो कॉस्ट प्राइस पहले आर्टिकल की क्या कर लें हम लोग, कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट कर लें, तो हमने पहले आर्टिकल के क्या कर दिया, कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट कर दिया, तो 10 यूनिट की वैल्यू हम लोग जानते हैं 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, अगर कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 9 होगा, क्यों 9 क्योंकि हमने, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है, तो हमने बोला था जब लॉस होगा तो डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो इसको ऐड करेंगे, तो हमने इसको कर लिया 10-1 किया तो 9 कर लिया, अब 9 यूनिट सेलिंग प्राइस दिया हुआ 240, यानी इसकी वैल्यू दिया हुआ है कितना 240 रुपीज, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 240 रुपीज है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 80/3, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800/3, चलो कॉस्ट प्राइस तो आपको मिल गया, ये कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना है, अब क्या बोल रहा है कि आर्टिकल को अगर कॉस्ट प्राइस जितना है तो आर्टिकल को कितने में सेल किया जाए हमें 20% का प्रॉफिट आ जाए, कर रहा है कि आर्टिकल को कितने में बेच सेल किया जाए तो आपको 20% का प्रॉफिट आ जाए, तो आप क्या करोगे 20% की वैल्यू कितना दिया 1/5, तो पहले कॉस्ट प्राइस अगर 5 थी तो बाद में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6, क्योंकि अब प्रॉफिट हुआ है तो हमने ऐड दिया 5+1 कितना होगा 6 हो गया, और कॉस्ट प्राइस यानी 5 यूनिट की कॉस्ट प्राइस गिवेन है ना 800/3 अभी निकाला है ना हम लोगों ने, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको गिवेन है कितना 800/3, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 160/3, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 6 कर दोगे तो आपको 320 आ जाएगा, इंटू 6 कर दोगे आपको तो 320 आ जाएगा, समझ में आया स्टूडेंट, किसी को इशू है कहीं पे प्रॉब्लम है तो बताओ इस क्वेश्चन में, मैंने इस क्वेश्चन को दो बार आपको बताया है, रेशियो मेथड ही अप्लाई किया है, बेसिक मेथड मैंने अप्लाई नहीं किया है, ट्रेडिशनल वो मैंने पहले क्वेश्चन के स्टार्टिंग का जो बेसिक क्वेश्चन कराया था उसी में मैंने यूज किया था, और दिखाने के लिए समझाने के लिए, तो आई थिंक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे चले, मेरे किसी को इशू हो कहीं पर प्रॉब्लम है तो बताएं, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो बताएं, क्लियर है, आगे चलें फिर, ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, लिखो आप लोग क्वेश्चन, अ मैन, क्वेश्चन लिखो आप लोग, अ मैन वांटेड टू सेल एंड आर्टिकल, अ मैन वॉन्टेड टू सेल एन आर्टिकल, अ मैन वॉन्टेड टू सेल एन आर्टिकल विथ 20% प्रॉफिट, विथ 20% प्रॉफिट, but he actually sold at 20% loss, but he actually sold 20% loss for rupees 480, but he actually sold at
20% loss for 480 rupees. For 480 rupees. At what price he wanted to sell? At what price he wanted to sell it to earn the profit? It to earn profit. ऑप्शन लिख लो आप लोग. 720 रुपीज 840 रुपीज 840 रुपीज 600 रुपीज 600 रुपीज 750 रुपीज डी है 750 रुपीज. ये चार ऑप्शन है स्टूडेंट. इस क्वेश्चन के मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग खुद करके आओ. इस क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ खुद आप लोग करके आओ, क्योंकि एक क्वेश्चन 720. चलो जिसका आंसर आया 720 आई थिंक राइट है, ठीक है ना. जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग क्वेश्चन इस क्वेश्चन को करके आए, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे बेटर तरीके से. आप एक बार सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन है. यस सर 720 राइट है. हाँ 720 राइट है. जिन लोगों का 720 आ रहा है वो राइट है, जिन लोगों का नहीं आ रहा है वो ट्राई करेंगे घर पे, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग. आई सोल्ड टू हैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई सोल्ड टू हैंड्स फॉर रुपीज 105 ईच. I sold two hens for rupees 105 each on one I lost 20% On the other, I gain 50%. On the other, I gain 50%. 50%. What is the gain or loss? On my total outlay. On my total outlay. Question हो गया सभी का? चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो. सर 73.5 क्या प्रॉफिट और लॉस?
प्रॉफिट प्रॉफिट जो है 73.4। ओके और किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। 720, अच्छा आपका 73.5 का प्रॉफिट है, वो 720 पिछले वाला था सर। ओके ओके अनदर किसी स्टूडेंट का? अदर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन? क्वेश्चन अच्छा है, ये मैं भी बोल रहा हूँ। सर ऑप्शन बता सकते हो एक बार? ऑप्शन ऑप्शन में बता सकता हूँ कि ऑप्शन बताने पर आप लोगों को काफी हिंट मिल जाएगी, इसलिए क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं बताया, और कोई रीजन नहीं था, और कोई रीजन नहीं था सर। बट ओके 36.5 है, सॉरी मेरा रॉन्ग है। 36.5। देखो स्टूडेंट आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सर 15% प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट आ रहा है। ओके देखो स्टूडेंट, अभी तक आंसर सही बताऊं तो किसी का राइट आंसर नहीं आया। देखो क्या हो रहा है क्वेश्चन, 20% टू हैंड्स फॉर रुपीज 50%। ओके देखते हैं अभी, अब देख लेते हैं क्वेश्चन को जिनका आ रहा है कितना। 20 सर, 50 नहीं 15। हाँ 15, 15। लेकिन यहाँ पे मैं स्टूडेंट बता दूं कि यहाँ पे ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, पहली बार समझ, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, प्रॉफिट नो लॉस नो प्रॉफिट का क्वेश्चन है। आई सोल्ड टू हैंड्स फॉर रुपीज 105, राइट है। दोनों हैंड्स को 105 में, मतलब ईच को, यानी एक हैंड्स को 105 में, सेकेंड को भी उतना ही प्राइस में सेल करता है। बोला ऑन वन आई लॉस 25%, पहले पे क्या उसको लॉस हुआ है 25% का, तो 25% का लॉस हुआ है, इसका माइनस का 25% है। सर 20% बोला ना आपने क्वेश्चन में, सर 20% सर 20% बोला है, 20% नहीं बोला था मैं, 25% बोला आपने, 20 बोले सर क्वेश्चन में, 20% बोला था। ओके सभी का 20 है ना? यस सर। हां सर, चलो तब 20 पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ तब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर तब नो लॉस नो प्रॉफिट का कंडीशन नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे 25% था। चलो 20 पे कर लेते हैं, ठीक है ना। 20% है तो हमारा कितना हो जाएगा, इसका मतलब 1/5 हो जाएगा। फिर क्या बोला है, 50% का इस पे लॉस हो रहा है ना, फिर क्या बोल रहा है वो, सेकेंड वाले क्या रहा है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है ना, सेकेंड वाले पर 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 50% प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया 1/2, राइट है ना। अब मैं इनिशियल वैल्यू मतलब सीपी यहाँ पे ले लिया एसपी, अगर पहले वाले में लॉस हुआ है तो सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा 4, अगर यहाँ पे सीपी 2 है तो एसपी कितना हो जाएगा 3, राइट है। अब दोनों को ऐड करो, अब दोनों को ऐड कर लो, अभी भी तो वही कंडीशन आ रही, बोला यही ना कि अगर दोनों को, एक को प्रॉफिट पे अगर -20% पर लॉस हो रहा है या सेकंड को 50% पर प्रॉफिट हो रहा है, तो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है। लेकिन देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ है कि जो सेलिंग प्राइस है दोनों की सेम है, राइट है क्या, जो दोनों की सेलिंग प्राइस है वो कितना है, सेम है, राइट है क्या, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस तो सेम रखा है ना। हाँ सर राइट। हाँ सर 105। क्या यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है क्या? नहीं नहीं नहीं, सेम बनाते हैं फिर, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे
4 से, राइट है? तो देखो अब सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, राइट है क्या? अब हमारा सेलिंग प्राइस सेम हो गया क्या? सेलिंग प्राइस अब सेम हो गया क्या? हाँ सर। अब इन दोनों का अभी यही तो बताना, टोटल पे इसका मतलब टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 24, टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 15 और 8 कितना 23, तो ओवरऑल क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस? प्रॉफिट प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट है, प्रॉफिट ना, प्राइस तो ज्यादा है ना, कॉस्ट कम है, राइट है ना? कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1 का 3.75 डिवाइड बाय, अब डिवाइड कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, 1 का प्रॉफिट हुआ ना, चलो प्रॉफिट, अब 24 की वजह से दो तरीका है, यहाँ पे से लोग कैसा करोगे इस बारे में जान लो। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस मैंने एक को कितना दिया है 105 में, तो दो को कितने में सेल करेगा, अगो 1 को 105 में सेल करता था, दोनों को कितने में सेल करेगा 210 में, हां 210 में दोनों सेल करेगा ना, तो दोनों को जब 210 में सेल करेगा, 24 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ आपको, 210 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210 अपॉन 24, तो आपको कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है 23 यूनिट की, तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210 डिवाइड बाई 24 इंटू 23, तो मिल गया क्या आपको कॉस्ट प्राइस, मिल गया क्या कॉस्ट प्राइस, मिल गया क्या आपको कितना आ गया? अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, ये क्लियर हुआ क्या इतना तक, आपको कॉस्ट प्राइस आ गया 23 यूनिट की वैल्यू आ गया 210 अपन 24 इंटू 23, इसको सिंप्लीफाई करना है बस, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ओके तो फिर चलते हैं हम लोग, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या है 210 अपन 24 इंटू 23, देखो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं 3 से, ये होगा 8, इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 70, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 4, ये होगा कितना 35 हो जाएगा, अब ये आ गया 35 इंटू 23 डिवाइड बाई 4, ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है 1 यूनिट का, कितने पे, इतने पे 35 इंटू 23 अपॉन 4 इंटू क्या 100 कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है, तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 23 इंटू 35 करेंगे कितना आ जाएगा 23 इंटू 35, बताओ आप लोग कितना आ रहा है 805 वैल्यू आपने निकाला भी था, एक मिनट यहाँ पे 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाला था पहले, उसकी भी वैल्यू रख लो आप लोग, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 210 डिवाइड बाय 24 भी है, 210 डिवाइड बाय 24 भी है, तो यहाँ पे ये भी कर लो आप, यहाँ पे इनटू 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 210 डिवाइड बाय 24, अब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा, कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है स्टूडेंट? ये तो तरीका था आपको क्या, ये बिल्कुल एकदम मतलब उस 105 का यूज करना है तो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 105 का यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्ट निकालना है, कैसे निकालोगे देखो, ये समझ में आ गया ना कैसे करना है आपको, इतने का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा जो भी आप लोगों का आ रहा है। अगर स्टूडेंट ये भी ना करना पड़े, हमें इतना लेंदी सा कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है कि बहुत लेंदी सा कैलकुलेशन, ये भी हटा दें पूरा, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ है 1 का, किस पे प्रॉफिट हुआ 23 पे इंटू 100 बस 100 डिवाइड बाई 23 आपको मिल जाएगा प्रॉफिट,
प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? आई थिंक मुझे लगता है कि सिक्स टाइम जाएगा क्या, फोर टाइम तो जाएगा नहीं फोर टाइम से भी चल जाएगा, फोर टाइम से जाएगा। हाँ तो फोर पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ जाएगा, फोर पॉइंट समथिंग आएगा, फोर पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ जाएगा आपको इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। समझ में आ गया कि फोर पॉइंट समथिंग। तो आपको कैलकुलेशन अवॉइड कैसे करना है ये डिपेंड करना है आप किसी को, जिस स्टूडेंट को ये दिमाग में आएगा अरे 105 को तो हमें यूज करना है, 105 तो हमने यूज किया ही नहीं, तो 105 को यूज करोगे तो देख लो क्वेश्चन कितना जाएगा, आपको ये सारी वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर नहीं करना आपको प्रॉफिट से ही मतलब है ना, तो प्रॉफिट यहाँ से निकाल लो। हाँ अगर ये क्वेश्चन कब आपको नहीं 105 का यूज होता, जब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछ देता या सेलिंग प्राइस की वैल्यू पूछ देता तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता, या कितने का प्रॉफिट हुआ है तो भी आपको क्या करना पड़ता, 105 का यूज करना पड़ा। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज ये तो दोनों रेशियो मेथड है, ये तो दोनों रेशियो है ना, लॉस निकालना हो परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो ये तो रेशियो है, और रेशियो में हमें इसका इतना ज्यादा जरूरत नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू का। याद होगा तो जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास लेक्चर अटेंड किया है वहां पर भी हम लोगों ने देखे थे जो बड़े बड़े कैलकुलेशन थे उसको अवॉइड करते थे, जैसे 17205 ऐसा कुछ नंबर दिया जाता था उसको अवॉइड कर देते थे, अडाट हमारा आंसर इस रेशियो मेथड से निकल जाता था। इसके प्रीवियस क्लास में हमने किया था ऐसे क्वेश्चन, याद हो तो आप लोगों को जिन लोगों ने अटेंड किया है क्लास, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। क्लियर? किसी को कंफ्यूजन हो अभी तो बताओ इस क्वेश्चन में। हाँ स्टूडेंट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। देखो आप लोग नहीं बोलोगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे फिर बाद में ये इशू आएगा कि नहीं आपको समझ में नहीं आया तो आपको लिए प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो जो चीजें हैं आगे अगर अभी हम लोग क्लियर कर लेते तो हमारे लिए भी सही है, आप लोगों के लिए भी सही। क्लियर? चलो क्वेश्चन नोट करो आप लोग। क्वेश्चन लिखो आप लोग। Prices are 25% above cost price, but it allows its customers 12% commission. 12% commission on the amounts of their bills. What is the profit percent made? आप लोग ऑप्शन लिख लो। 10%,
सर 10% है क्या आंसर 10% ओके राइट आंसर है और किसी स्टूडेंट का सर ये स्क्रीन पे जो सम है ना हाँ उसपे वो इंटू 23 और इंटू 24 और वो दोनों को ऐड कब करना है मतलब क्या बोलो आगे वाले सामने हम लोगों ने कुछ ऐड नहीं किया था ना वो सिर्फ डायरेक्ट कैलकुलेट किया परसेंट का प्रॉफिट हो ओके देखते हैं हाँ क्या बोलो आप कि अगले वाले क्वेश्चन में क्या किया था उन्होंने हम लोगों ने 15 और 8 को प्लस नहीं किया था ना जैसे कॉस्ट प्राइस दोनों को प्लस किया किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो मतलब आगे कोई भी क्वेश्चन हम लोग ऐड करके नहीं करते थे ना ऐसे अलग अलग ही करते थे ना अच्छा अलग अलग इसलिए करते थे कि जब जहाँ जैसी जरूरत है यहाँ पे तो बोला था ना आपको आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैं क्या बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में टोटल पे प्रॉफिट और लॉस बोला था इस क्वेश्चन में टोटल पे प्रॉफिट और लॉस की बात बोला था लेकिन हर एक क्वेश्चन में टोटल पे तो नहीं बोलता ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना टोटल है तभी ऐड करने का हाँ तभी ऐड करना होगा अदरवाइज नहीं होगा वो भी डिपेंड करता है कि हमारा दोनों आर्टिकल सेम है कि डिफरेंट है तो हमारा टोटल पे सारी चीजें होती है हम टोटल आर्टिकल पे हमने कैलकुलेट किया इसको वन आर्टिकल पे नहीं किया उसने बोला सर टोटल पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हमने टोटल पे किया यहाँ पे ओके सर ओके ओके क्वेश्चन क्या दिया क्वेश्चन क्या सर ऑप्शन क्या क्या सर आप एक बार ऑप्शन रिपीट कर दीजिए ना वो लैग हो रहा था थोड़ा ऑप्शन आप रिपीट कीजिए ना वापस से ओके 10% 15% 20% 25% नन ऑफ दीज 25% एंड सर 25% लास्ट है नन ऑफ दीज नन ऑफ दी अबाउट लास्ट सर कॉस्ट प्राइस का अमाउंट क्या था कॉस्ट प्राइस के इसमें अमाउंट नहीं दिया हुआ है नहीं ना हां ठीक सर आई थिंक 13% आना चाहिए नन ऑफ दी अबाउट 10% ओके देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है स्टॉक्स प्राइसेस आर 25% किसका बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है स्टॉक्स प्राइसेस आर 25% अबव कॉस्ट प्राइस क्या कहने का मतलब है ये कि कोई शॉपकीपर है जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उससे 25% पे उसका मार्क प्राइस रख रहा है इसका मतलब मार्क प्राइस रखा हुआ है राइट है क्या कि जो भी अगर कॉस्ट प्राइस है उससे 25% ज्यादा पे उसको मार्क कर रहा है मार्क प्राइस का राइट है फिर क्या कर रहा है बट इट अलाउज इट्स कस्टमर्स 12% कमीशन ऑन द अमाउंट ऑफ देयर बिल्स यानी कि वो क्या बोल रहा है कि जो कस्टमर्स हैं उसके उन कस्टमर्स को 12% का डिस्काउंट भी दे रहा है कस्टमर्स को 12% का डिस्काउंट भी दे रहा है तो बोला है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट मेड तो उससे कितने का प्रॉफिट होगा इतना क्वेश्चन है कि उससे कितने का प्रॉफिट होगा देखो पहले क्या कर रहा है कि वो जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है उस कॉस्ट प्राइस पर 25% क्या कर रहा है ज्यादा कर रहा है तो हम लोग क्या कर लेते हैं मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन लिख लेते हैं रेशियो लिख लेते हैं अगर कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा इसका मतलब मार्क प्राइस 125 रहा होगा राइट है क्या कैसे देखो 100 का अगर 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 25% का इसने क्या 25 जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे 25 रुपीज ज्यादा जाके वो मार्क कर रहा है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था इसमें 25% 25 रुपीज और ऐड करके वो क्या कर रहा है दिखा रहा है अभी दिखा रहा है वो बेच नहीं रहा बेच तो 12% पे डिस्काउंट पे कर रहा है तो हमें क्या करें 25 रुपीज और ज्यादा उस पर ऐड कर दे रहा है हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 यानी हमारे जो मार्क प्राइस आ गया वो कितना आ गया 125 आ गया क्लियर इतनी बात हमने अगर कॉस्ट प्राइस 100 लिया है तो मार्क प्राइस कितना आ गया 125 ये चीजें रिलेशन के लिए मैंने ये रिलेशन समझ में आती है कि हमें डिस्काउंट किसके किसके बीच में रिलेशन होता है और हमारा प्रॉफिट और लॉस किसके किसके बीच में रिलेशन होता है चलो आगे चलते हैं आगे क्या बोला है कि कस्टमर्स को वह 12% का डिस्काउंट भी देता है राइट है क्या क्या बोला क्वेश्चन में
कि कस्टमर्स को 12% का डिस्काउंट भी देता है। अगर जो कस्टमर्स हैं उनको 12% का डिस्काउंट भी मिलता है तो डिस्काउंट किसके किसके बीच का रिलेशन होता है? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस से। तो हमने सपोज कर लिया कि सेलिंग प्राइस अपन मार्क प्राइस, हमने सपोज कर लिया कि अगर मार्क प्राइस हमारा 100 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 88 रुपीज, क्योंकि 12% क्या कर रहा है? कम कर रहा है ना ये। तो अगर मान लो मार्क प्राइस अपने 100 लिया था, 100 का 12% निकालो तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी जो भी मार्क प्राइस है उससे 12 रुपीज उसने कम कर रहा है। अगर ये मार्क प्राइस 100 रुपीज है तो 12 कम करके बेच रहा है, इसका मतलब 88 में बेच रहा है। बात क्लियर? तो सेलिंग प्राइस कितना होगी? 88। अब इन दोनों का करना क्या है, बस आपको निकालना क्या है कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट किसके किसके बीच में रिलेशन होता है, प्रॉफिट जो होता है किसके किसके बीच में रिलेशन होता है। प्रॉफिट जो हमारा रिलेशन होता है वह मार्क प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन होता है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रिलेशन होता है हमारा जो प्रॉफिट और लॉस होता है। तो प्रॉफिट बोला है, अब इन दोनों को क्या करें, हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रिलेशन लाना है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो एमपी अपन सीपी इनटू एएसपी अपन एमपी इज इक्वल टू क्या होगा, 125 डिवाइड बाई 100 इनटू 88 अपन 100 होगा। राइट है क्या? क्लियर है? हाँ स्टूडेंट, ओके। तो हमने इसको कैंसिल कर लिया, इतना हमारा आ गया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो मार्क प्राइस से मार्क प्राइस कैंसिल, तो सेलिंग अपन एस सी पी कितना आ रहा है? अच्छा, इसको 25 से कैंसिल करोगे तो कितना जाएगा? 5 times, ये कितना जाएगा? 4 times जाएगा। इसको 4 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? और 25 आ जाएगा। इसको 4 से कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। दैट मीन्स ये कितना आ गया? 5/4 इंटू 22/25 आ गया। राइट है, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल 2 और 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 11 आ गया। तो फाइनली एस पी अपन सी पी क्या आ गया? देखो कैलकुलेशन ही है, इसको आप जितना लंबा करना चाहते हो आपके ऊपर, जितना शॉर्ट करना चाहते हो ये आपके ऊपर है, ये कैलकुलेशन है। जो क्वेश्चन सॉल्व करना था वो क्वेश्चन यहीं पे था, जो क्वेश्चन सॉल्व करना था क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया था, लेकिन ये कैलकुलेशन करना आप देख सकते हो कि कितना लंबा लेना है, कितना छोटा सा लेना है, कितना शॉर्ट करना है आपका है। तो देखो 11 हो जाएगा डिवाइड बाई कितना, 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यहीं से देख लो, ये 10 रुपीज है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना है? 11 है। तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ प्रॉफिट? 1 रुपीज का। भाई कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 11 है। कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपीज का। किस पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पे, 10 पे। इनटू क्या परसेंटेज निकालना था, 100 कर लो, 10 से 10 कैंसिल, दैट मींस कितना आ गया? 10%। कितना प्रॉफिट परसेंटेज आ गया? क्या 10% का प्रॉफिट परसेंटेज आ गया आपको। क्लियर, क्लियर हुआ? या किसी स्टूडेंट को कहीं पे भी इशू आ रहा है, नहीं समझ में आया, कहीं से भी किसी भी स्टेप में अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो बताएं मुझे। सर हेलो, मार्क प्राइस के बाद से वापस से बताओ ना सर, मार्क प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस, ऐसा क्यों किए? अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों का, इन दोनों इक्वेशन का यूं समझ लो, ये दो इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 1 और 2 मानते हो, तो इन दोनों का इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है। इसका मल्टीप्लाई करने का रिलेशन क्या था कि हमें अगर मार्क प्राइस खत्म हो जाए, हमें अगर सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस में रिलेशन फाइंड आउट हो जाए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज बोला था, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट बता रहा है तो प्रॉफिट का रिलेशन किसके बीच में होता है? या तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में ही रिलेशन होता है।
जो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस चाहिए होता है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे मार्क प्राइस भी गिवन है ना, तो मार्क प्राइस को हटना चाहिए। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो मार्क प्राइस और मार्क प्राइस यहाँ से कैंसिल हो गया। जैसे ही मार्क प्राइस कैंसिल हो गया तो हमें एसपी और सीपी में हमें रिलेशन मिल गया, और यहाँ से एसपी भी पता चल गया सीपी भी पता चल गया, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि इस टाइप से आपको मार्क प्राइस से जल्दी, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे ही रहते हैं, मार्क प्राइस के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। जब मार्क प्राइस के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं तो वो छोटा का छोटा रह जाता है, और मार्क प्राइस अगर छोटा रह जाता है तो वो डिस्काउंट के लिए आपके लिए प्रॉब्लम होते हैं। मैं मैक्सिमम टाइम देखता हूँ कि बच्चों को क्या होता है कि जब डिस्काउंट के क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो तो प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे डिस्काउंट के क्वेश्चन आप आसानी से कर ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट दिया है तो क्या दिक्कत है, हमें पता है डिस्काउंट जो होता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच क्या रिलेशन होते हैं। क्लियर? हेलो आपका, हाँ डाउट क्लियर हुआ आपका? हाँ सर एक डाउट। हाँ और किसी का? सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो ना आप। सर मैंने अलग मेथड यूज किया, वो बताओ जरा करेक्ट है कि नहीं। बोलो आप। सर उसमें दिया है कि 25% चार्ज करता है वो अपना प्रॉफिट बिल अमाउंट पे, तो हम लोग अगर बिल अमाउंट 100 अज्यूम करें प्लस उस पे 25%, तो बिल अमाउंट हो जाएगा 125 रुपीज। और अगर उस पे, और फिर दिया है कि बट इट अलाउज इट्स कस्टमर 12% कमीशन तो डिस्काउंट, तो 125 माइनस 12% तो हम लोग का बिल अमाउंट हो जाएगा 110। 100 × 10 आ गया। चलो ठीक है, आपने निकाला 110 आ गया। 110 तो अभी मेरा पहले बिल अमाउंट था 100 रुपीज और अभी आ रहा है 110, तो 10% का प्रॉफिट, तो वो करेक्ट है क्या मेथड? हाँ तो आ गया ना 10% का प्रॉफिट। तो हाँ मेथड मेरे को पूछना था कि करेक्ट है कि नहीं। नहीं राइट है, आपने क्या किया, यही तो एक्चुअल में किया क्या आपने, 120 पहले कितना था, 100 था, अब हम लोग ने बिल अमाउंट अज्यूम किया कि 100 रुपीस है, वही तो हमने भी किया। यहाँ पे देखो 100 से 125 किया, अब इसका क्या किया आपने, 12% इसका निकाल दिया, 12% आपका आ गया कितना, 125% 110 आ गया, आपने सबट्रैक्ट कर दिया। आपने इसका 12% निकाल के सबट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया 110, यानी 110 में इसकी सीपी आ गई, ये हो गया एमपी आ गया, आई हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, बस अबे तीनों चीज मिल गया यहाँ से 10। ओके वही चीज तो हमने भी किया, राइट आपका मेथड भी सही हो, सब कुछ सही। और किसी को कोई डाउट? मैंने भी यही किया सर। हाँ तो राइट है, आएगा भी राइट आएगा, आंसर राइट ही आएगा। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. लिखो आप लोग। A person sold two article. A person sold two articles at same selling price. A person sold two articles at same selling price. On first article, he got 12.5%. He got 12.5% loss. He got 12.5% loss. 12.5% loss. And on second, he got 37.5% profit. He got
37.5% profit. If total profit is ₹110, find the difference between cost price of both the article. Both the articles. दोनों articles में कितने कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है? ये क्वेश्चन काफी काफी सिमिलर क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऐसा किया है, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन ऐसे सेम टाइप के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सारे ऐसा किया है, ठीक है ना? तो हम लोग कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा सर। जो क्वेश्चन मैंने बोला इस क्वेश्चन का ऑप्शन, एक मिनट लिखो आप लोग, ऑप्शन लिखो लिखो 420 रुपीज, 352 रुपीज, 352 रुपीज, 252 रुपीज, 252 रुपीज, डी ऑप्शन लिखो 192 रुपीज, एंड लास्ट वन है नन ऑफ दीज, एंड लास्ट वन है नन ऑफ दीज। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, नन ऑफ दीज हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन मैं बोलू? हाँ सर, हो गया ना। अमर बॉट एक्स एट द रेट ऑफ अमर बॉट एग्स एट द रेट ऑफ 5 for 7 रुपीज, यानी सेवन रुपीज में 5 एग्स मिलते हैं, कितने 5 एग्स मिलते हैं। And sold them at the rate of seven for rupees ten, and 10 rupees में 7 x sale करता है, and made rupees 200 in total bargain, हो गया, in total bargain हो गया।
हाउ मेनी एग्स, हाउ मेनी एग्स डिड ही डील इन, हाउ मेनी एग्स डिड ही डील इन, यानी उतने में उसने कितने एग को डील किया था, ये आपका क्वेश्चन है। नोट हो गया क्वेश्चन सभी का? सही, जो 200 है वो उसका 200 टोटल बनाया उसने, प्रॉफिट है 200 का टोटल प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है। सर नहीं हो रहा, सर नहीं हो रहा क्वेश्चन, नहीं हो रहा है, नहीं। चलो क्वेश्चन समझ में आया सभी को, क्या बोला है कि 5x मिलते हैं 7 रुपीज में, कॉस्ट प्राइस है, और उनका सेल कितने में करता है, 10 रुपीज में 7x को सेल करता है, राइट है, एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सबको। देखो वो क्या करता है, 7 रुपीज में 5x खरीदता है और 10 रुपीज में 7x को सेल करता है, तो उसके जो टोटल प्रॉफिट होता है वह 200 का होता है। तो टोटल कितने एग उसने खरीदा था या कितने एग से बेचा था, ये आपको बताना है। चलो आपने ये क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस पहले निकालते हैं, 1x का 1x का, सीपी बताते हम लोग फाइंड आउट करते, 1x का 1x का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1x का अगर कॉस्ट प्राइस हम लोग फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे। देखो 7x बोलता है 7 रुपीज में 5x है, 1 में कितना आएगा, 7/5 आएगा क्या, 7/5 रुपीज, यानी 5x का ए दिया हो ना, 5x का यानी सॉरी ऐसे करो, 5x का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 7 है, तो 1x का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 7/5 हुआ, राइट है इतना, तो हमारा क्या हो गया, 1x का कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब उसके बाद सेलिंग प्राइस की बात करो, अगर 7x 10 रुपीज में मिलते हैं तो 1x कितने मिलेगा, 10/7 में, तो 1x का कॉस्ट सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा 10/7, 10/7 रुपीज, क्लियर। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट आप जानते हो क्या होता है, एएसपी माइनस सीपी होता है, तो प्रॉफिट कितने का है, 200 का है। अब कितने एक के लिए, हमें एक नहीं पता, नंबर ऑफ एक नहीं पता है, तो हम क्या मानते हैं, एन एक के लिए, अगर एक एक के लिए प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो जो एन एग थे उन सभी एन एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं उनके प्रॉफिट से, तो हमें मिल जाएगा,
हमें यहाँ से क्या आएगा, ये जो प्रॉफिट आएगा वन एक का आएगा, यानी इसमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन एक का हमें प्रॉफिट आएगा, लेकिन हमें एक कितने का बताना, एन एक का, तो एन मल्टीप्लाई कर देते हैं। एसपी कितना हमारा, एसपी कितना है, 10/7 -7/5 राइट है क्या, यहाँ तक किसी कंफ्यूजन? हाँ सर समझा सर। अब ये क्या होगा, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 35। इसका एलसीएम लोगे तो 7 से डिवाइड 5, ये कितना आ जाएगा, 50। 1/35 माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करके 7, 7 से समझा कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, 200/n × यहाँ पे आएगा 1/35। एन की वैल्यू कितना आ गई, 35 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 70 × 7000 एग। कितना एग खरीदा था उसने, 7000 एग खरीदा था, तब जगह उसने प्रॉफिट हुआ। क्लियर? हाँ सर। कितना एग खरीदा था, 7000 एग उसने खरीदा था टोटल। समझ में आया क्वेश्चन, या किसी को रिपीट करने की जरूरत है क्वेश्चन को? अभी भी मैं बता रहा हूँ, उसमें दिया था कि 5 अंडे कितने मिलते हैं, 7 रुपए में मिलते हैं, तो एक अंडे कितने दिन मिलेंगे, 7/5 कर लेंगे। फिर बोल रहा है अगर वो 10 रुपीज में 10 रुपीज में कितना, 7 अंडे यानी 7x को सेल करता है, तो 1 रुपीज में कितने सेल करेगा, हमने कर लिया 10/7 हो गया। अब 1x का हमने प्रॉफिट निकाल लिया, अगर 10/7 -7/5 करें तो हमें 1x का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 1x के प्रॉफिट को n, जो नंबर ऑफ एग नहीं हमें मालूम, नंबर ऑफ एग हम मान लेते हैं n है, n से जब मल्टीप्लाई कर देंगे वो टोटल कितने का हो जाएगा, 200 के प्रॉफिट के इक्वल हो जाएगा। 200 के इक्वल कर लिया, 200 के इक्वल कर लिया तो n की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ पे 35 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 200 आ गया। क्लियर? स्टूडेंट क्लियर? हाँ सर। किसी को प्रॉब्लम कहीं पे? नो। तो आज की क्लास में अभी भी सेम प्रॉब्लम आई है, कुछ आप लोगों को लगा कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है, हो रहा है ना? अभी के स्टूडेंट आप लोग कंसेप्ट क्लियर करने पाओगे तभी के कंसेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज वैसे नहीं होगा। क्लियर? चलो ठीक है। प्रैक्टिस के लिए सम कहाँ, प्रैक्टिस के लिए सम कहाँ से मिलेंगे? आप कोई भी बुक एक प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, या तो आप सेकंड थिंग ये करते हो कि प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक अगर प्रीफर नहीं करना चाहते हो तो फोकस का, आपको फोकस क्लासेस की बुक मिली होगी उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लो आप। हेलो, हाँ किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके सर। हाँ ओके स्टूडेंट, और किसी का कोई डाउट? सर एक डाउट है। हाँ बोलो ना सर। वो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो आपने बोला था उसमें होता है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कौन सा, जो लेक्चर के स्टार्ट में जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिए थे? अच्छा, वो छोटा छोटा क्वेश्चन मैंने दिया था जो प्रॉफिट फर्स्ट प्राइस और सेकंड प्राइस। हाँ सर, उसमें क्या आपको डाउट? नहीं सर, उसमें एक्चुअल ऐसा है कि सेलिंग प्राइस, फर्स्ट क्वेश्चन सेलिंग प्राइस 625 है और प्रॉफिट 25 है। एक मिनट फिर से बोलो आप। हाँ बोलो। सेलिंग प्राइस कितना दिया था? 625। हाँ। और प्रॉफिट परसेंटेज 25%। हाँ। तो सर अगर हम लोग 100 बेस लेते हैं। हाँ 100 बेस ले लो। हाँ, तो 125% प्रॉफिट मतलब 125 हुआ, 625 के इक्विवेलेंट। तो और अभी हम लोग को अगर 100, हेलो नहीं एक मिनट आप क्या ले रहे हो, 100 किस क्या ले रहे हो, 100 कॉस्ट प्राइस ले रहे हो ना? कॉस्ट प्राइस। हाँ सर। तो 25% का प्रॉफिट हुआ तो एसपी आपका आ गया ना 125। हाँ 125। हाँ तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितना, 625 625 बराबर।
वन की वैल्यू निकाल हम लोग उसमें कॉस्ट हां उसमें कॉस्ट प्राइस पूछा है तो उसमें 500 आ रहा है हां तो 6 ये कितने 125 की वैल्यू कितनी है 625 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसको जब कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा आपको निकालना कितना 100 की वैल्यू निकालना है 100 की वैल्यू निकाल लो 100 की वैल्यू तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था उसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन से ये मेथड करेक्ट हो मेरा लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कॉस्ट प्राइस 400 और लॉस परसेंटेज दिया था 15% तो सर इसमें मेरे को वो वैसे मतलब कैसे वही मेथड से अगर करना है तो फिर कैसे करने का क्योंकि अगर 100 रुपीज आप कास्ट प्राइस मानते हो तो सेलिंग इसका मतलब 15% का लॉस हुआ यानी 85 रुपीज में इसने सेल कर दिया करेक्ट सर तो इसका मतलब 100 यूनिट की वैल्यू उसने दिया हुआ 400 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई 4 हो गई तो आपको कितने यूनिट की वैल्यू निकालना है 85 की निकालना है तो 85 से मल्टीप्लाई कर दो मैंने वो एक्चुअली 485 लिया था 400 पे एक बार नहीं आपका आ जाएगा आंसर ओके ओके सर ओके स्टूडेंट थैंक यू बाय बाय गुड नाइट बाय थैंक यू गुड नाइट